जरूरी सूचना आप सभी स्टूडेंट्स के लिए, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेस करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी, मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर, GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है सी सैट प्रिपरेशन के इस यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग UPPCS प्री 2024 के लिए सैट मैथ्स की एक क्लास का डिस्कशन करेंगे, जिसमें प्रश्न संख्या 21 से आगे बढ़ेंगे। इससे पहले की वीडियोस में हम लोगों ने 20 नंबर तक के प्रश्नों का डिस्कशन कर रखा है, अगर आपने नहीं देखा है तो आप प्ले लिस्ट में जाकर ज़रूर देखिएगा। यह क्लास UPPCS प्री 2024 के अतिरिक्त अन्य सभी प्रकार के स्टेट PCS एग्जाम और वनडे एग्जाम के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। यहाँ पर प्रश्न दिया है कि x+1/x=5 है, तो आपको बताना है x^4+1/x^4 बराबर क्या होगा। देखिए, अगर आपको फार्मूला पता होगा तो ये प्रश्न आप मात्र एक सेकंड में कर लेंगे, और फार्मूला नहीं पता होगा तो नहीं कर पाएंगे। देखिए, जब कभी भी आपके सामने दिया हो x+1/x^n और आपसे प्रश्न पूछा जाए x^2+1/x^2 बराबर क्या होगा, तो आप सीधा सीधा बोलेगा n^2। ठीक, अगर ये क्यूब के संदर्भ में पूछा जाए x^3+1/x^3 बराबर क्या होगा, तो आपका आंसर होगा n^3n। अगर ये फार्मूला 4 पर जाए x^4+1/x^4 बराबर क्या होगा, तो n^2^2 बस यही फार्मूला अप्लाई करना है। n की वैल्यू है 5, 5 का स्क्वायर 25, 25 में से 2 गया 23। अब आप करेंगे 23 का स्क्वायर और इसमें से घटाएंगे 2। 23 का स्क्वायर होता है 529, 529 में से अगर आप 2 घटाएंगे तो आपको मिल जाएगा 527। तो इसका सही उत्तर बनेगा विकल्प सी। अगले प्रश्न पर आते, प्रश्न संख्या 22 दिया है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। बिल्कुल सही है। देखिए, जो वास्तविक संख्या है, जो नंबर होते हैं, ऐसे समझिएगा, जो नंबर है ना, नंबर मतलब संख्या को दो भागों में बांटा गया है, एक रियल नंबर मतलब वास्तविक संख्या और दूसरा होता है इमेजिनरी नंबर मतलब काल्पनिक संख्या। इमेजिनरी हमारे सिलेबस में नहीं है। इसके बाद जितनी भी संख्या आप पढ़ते हैं, पूर्ण, प्राकृतिक, सम, विषम, पूर्णांक, है ना, मतलब इसके बाद आप दशमलव, भिन्न, करड़ी, सब इसी में आते हैं, परिमेय अपरिमेय सब आते हैं। देखिए, प्रत्येक अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या, बिल्कुल सही है। प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय, देखिए प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय है। देखिए, जितनी भी अपरिमेय है ना, ये सब वास्तविक है, बिल्कुल सही। और प्रत्येक वास्तविक संख्या परिमेय होती, तो भाई जब सब वास्तविक को परिमेय कह देंगे तो अपरिमेय कहाँ जाएगा, ये गलत हो जाएगा। अगला पॉइंट दिया, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक वास्तविक संख्या, बिल्कुल सही है ना। प्रत्येक पूर्णांक एक वास्तविक संख्या, बिल्कुल सही है। तो दूसरा गलत है, बाकी सब सही है। तो विकल्प बी प्रश्न का उत्तर बनेगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट। देखिए, आप यहाँ स्क्रीन पर कुछ नंबर देख पा रहे होंगे दोस्तों। अगर आप टीम के पेड कोर्सेज से जुड़ना चाहते हैं PCS के कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए, तो आप इन दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ये ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ से व्हाट्सएप के माध्यम से जानकारी ले सकते हैं। और जिन दोस्तों ने अभी तक स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं किया, वो जरूर इंस्टॉल कीजिएगा, क्योंकि एप्लीकेशन के माध्यम से किसी भी कोर्स को परचेस करते समय अगर आप कूपन कोड अप्लाई करते हैं ज्ञान सर, तो आपको प्रॉपर डिस्काउंट भी मिलेगा। दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न दिया, एक समद्विबाहु त्रिभुज की 3 भुजाएं हैं x+1, 9-x और 5x+3 से निरूपित की जाती, तो ऐसे कितने त्रिभुज संभव है। देखिए, एक त्रिभुज की 3 भुजाएं और इसमें समद्विबाहु बोल रहे हैं, मतलब दो भुजाएं बराबर होगी, तो पॉसिबिलिटी क्या है। देखिए, x+1 बराबर होगा 9-x के, पहली पॉसिबिलिटी ये है। दूसरी पॉसिबिलिटी है 9-x बराबर होगा 5x-3 के, और तीसरी पॉसिबिलिटी है 5x-3 बराबर होगा x+1 के। इन तीन पॉसिबिलिटी पे x की कोई वैल्यू आएगी, आप चेक करेंगे, आपको आंसर मिलेगा। अगर पहले को हम हल करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 5। x की वैल्यू 5 रखिए, देखिए आपको मिलेगा 6, 4 और 5 × 15 = 3 = 12। क्या समद्विबाहु बन रहे? नहीं बन रहे, तो गलत हो गया। दूसरी पॉसिबिलिटी को हल करते हैं। देखिए, ये इधर अगर ट्रांसफ़र करेंगे x को, तो 6x = 12, x की वैल्यू 2 आ जाएगी।
जैसे आप दो रखेंगे तो देखिए दो और एक तीन है ना, नौ में से तीन यहाँ पर दो को घटाएंगे तो सात, और पाँच दूना दस में से तीन गया तो सात। देखिए ये दो भुजाएं बराबर है, बिल्कुल सही है ना। नेक्स्ट तीसरे की बात करते हैं, देखिए चार एक्स बराबर चार तो एक्स बराबर एक, एक्स बराबर एक रख के देखिएगा यहाँ पर दो और ये आठ और यहाँ पर दो। अच्छा आपको लग रहा होगा ये भी संभव सही है, लेकिन देखिए ये गलत हो जाएगा। क्यों? देखिए जब त्रिभुज बनाएंगे आपने ये भुजा खींचा आठ है ना, आठ हो गया, अब जब दो को आप ऐसे ऊपर बढ़ाएंगे ना तो ये मिल ही नहीं पाएगा, जब ये भुजा मैच ही नहीं करेगा तो त्रिभुज बनेगा कहाँ से, तो ये नहीं बन पाएगा। तो इसमें सिर्फ एक इसका आंसर होगा तीन सात सात। देखिए ये तीन हो गया, ये सात और ये सात, ये त्रिभुज है, आपने ऐसे आठ खींच लिया, अब ऐसे दो को मिलाएंगे तो मिलेगा ही नहीं ना। अब ऐसे समझिए देखिए दो को अगर ऐसे भी रख देंगे तो यहीं तक आएगा है ना, और ये यहाँ तक होगा, तो जब मैच ही नहीं करेगा तो फिर त्रिभुज बनेगा कहाँ से। तो सिर्फ एक त्रिभुज संभव है, विकल्प बीस का सही उत्तर बनेगा। अगले प्रश्न पर आते, प्रश्न संख्या चौबीस दिया है, यदि एक बारंबारता बंटन में किसी वर्ग की निम्न सीमा और उच्च सीमा 10 और 40 है तो मध्य बिंदु क्या होगा। तो देखिए मिडल पॉइंट का फार्मूला सीधा सीधा होता है, लोअर प्लस अपर अपॉन 2 है ना, 40 और 10 50, 50 का आधा 25, विकल्प ए का उत्तर बनेगा। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न संख्या दिया हुआ है, यहाँ पर आपको बताना है इसमें कि दो गोलों के पृष्ठ क्षेत्रफलों का अनुपात 9:4 है तो उनके आयतन का अनुपात क्या होगा। देखिए गोला का पृष्ठ क्षेत्रफल दिया और आयतन की बात पूछ रहे हैं, गोले का जो पृष्ठ क्षेत्रफल होता है ना, गोले की बात किया जा रहा है, तो यहाँ पर आपको पता होगा कि फार्मूला होता है 4πr² है ना, और यहाँ पर हो जाएगा 4π, मैं यहाँ पे कैपिटल R लिख रहा हूँ है ना। मान लेते हैं कि स्मॉल वाला 4 है, कैपिटल 9 है, तो देखिए 4π से 4π कट जाएगा, यहाँ से R की वैल्यू 2 आ जाएगी और यहाँ पर 3 आ जाएगी, ये R का अनुपात हो गया। अब आपसे पूछ रहा है आयतन का अनुपात, देखिए आयतन होता है 4/3 π कैपिटल R क्यूब और यहाँ पर 4/3 और पाई स्मॉल आर क्यूब। देखिए 4/3 π से 4/3 π कट जाएगा, कैपिटल R मतलब 3 का क्यूब 27 और 2 का क्यूब 8, तो 27:8 विकल्प बी। प्रश्न संख्या 26 दिया है कि 3 से विभाजित संख्याओं को छोड़कर 1 से 99 तक की संख्या अगर लिखा जाए तो 5 कितनी बार आएगी। सबसे पहले देखिए 1 से 99 तक अगर कोई संख्या लिखेंगे तो 5 कितनी बार आएगी इसको समझिए। देखिए 5 कैसे कैसे आएगा, 5 में आएगा ठीक, 15 में आएगा, 25 में है ना, 25 के बाद 35, 35 के बाद 45, 45 के बाद 55, इसके बाद 65 है ना, 65 के बाद 75, 85 और 95, इधर 5 इतनी बार आ गया। 49 के बाद एक 50 होगा है ना, फिर 51, 52, 53, 54, देखिए 55 पहले से लिखा जा चुका है, 56, 57, 58 और ये 59। 5 अगर 1 से 100 तक की संख्या लिखेंगे तो 5 बस इतनी बार आएगा। अब 3 से विभाज्य जो संख्या उसे छोड़ दीजिए, जैसे 15 को हटा दीजिए है ना, 45 को हटा दीजिएगा, इसके बाद 75 को हटा दीजिएगा, 51 को यहाँ से हटा दीजिए है ना, 51 के बाद 54 को हटा दीजिए, फिर 57 को हटा दीजिए। अब इतनी संख्याओं को हटाने के बाद जो बच रहा है, देखिए 1, 2, 3, 4, 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 है ना, 15 बार बच रहा है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, हो जाएगा 15। तो विकल्प सी इस प्रश्न का उत्तर बनेगा। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न संख्या 26 यहाँ पर दिया, विविक्त चर और सतत चर है ना, इसमें आपको बताना है कि दो प्रकार का ये क्या होता है। तो देखिए विविक्त और चर है ना, जब कभी भी यहाँ पे इसको मतलब डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, ये जो वेरिएबल्स बनेंगे किस प्रकार के होंगे, ये एक थ्योरेटिकल प्रश्न है, तो इसका उत्तर क्या होगा आप कमेंट करके जरूर बताइएगा है ना। प्रश्न संख्या 28 दिया हुआ है कि 5 घड़ियां क्रमशः 3, 4, 5, 6 और 7 सेकंड के अंतराल पर बजती हैं, किसी समय एक साथ बजने के कितनी देर बाद साथ साथ बजेंगी। देखिए जब भी ऐसा कोई प्रश्न मिले जहाँ पे किसी चीज़ को एक साथ बजाया जाए और फिर एक साथ बजने की बात करेगा, तो आप हमेशा याद रखना इनका एलसीएम किया जाता है। देखिए 3, 4, 5 और 6 अगर आप इसका एलसीएम लेंगे है ना, तो इसका एलसीएम देखिए 3 × 4 = 12, 5 = 60 है ना, 60 आ जाएगा आपका। कहेंगे 6 को हमने नहीं लिया, 6 इसमें शामिल हो चुका है, देखो 3 जब निकालेंगे तो फिर 2 बचेगा और 4 लेंगे तो 6 बचेगा, 60 यहाँ पे हो गया और गुणे 7 है ना। देखिए 60 सेकंड में 1 मिनट होता है, तो ये 1 मिनट और गुणे 7, तो आंसर आ जाएगा 7 मिनट, विकल्प सी। प्रश्न संख्या 29 यहाँ पर दिया, एक वृत्त जिसमें त्रिज्याखंड विभिन्न परिमाणों को निरूपित करता है को कहा जाता है। देखिए एक वृत्त है, इसमें इसका जो त्रिज्याखंड है ना, ये अलग अलग परिमाणों को इंडिकेट कर रहे हैं, इसे जो जब DI होता है डाटा इंटरप्रिटेशन, तो यहाँ पे पाई चार्ट कहते हैं, तो विकल्प सी इसका उत्तर बनेगा। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया, निम्नलिखित में से प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या होगी, आपको ये बताना है। बहुत ही आसान सा प्रश्न है, √x/19
इज इक्वल टू 4, है ना। तो रूट एक्स इज इक्वल टू 76, 76 का स्क्वायर करेंगे 5776, विकल्प सी इसका उत्तर बनेगा। तो दोस्तों ये आज की क्लास रही जिसमें हम लोगों ने 10 प्रश्नों का डिस्कशन किया है। इस प्रकार के वीडियोस आपको लगातार मिलते रहेंगे, बस आपको इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना है। और अगर आप पीसीएस की कंप्लीट प्रिपरेशन करना चाहते हैं जीएस के साथ, तो आप टीम के पेड कोर्सेज से जुड़ सकते हैं, जिसके लिए आप इन दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सअप करके जानकारी ले सकते हैं। ये ज्ञान सर का व्हाट्सअप नंबर है, आप यहाँ से व्हाट्सअप के माध्यम से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और दोस्तों आप चाहे तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एप्लीकेशन भी इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर आप एप्लीकेशन के माध्यम से किसी कोर्स को ज्वाइन करते समय कोड अप्लाई करते हैं ज्ञान सर, तो आपको 20% का डिस्काउंट भी मिलेगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।